हाथरस में जो सत्संग के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसमें तकरीबन 150 लोगों की मौत की खबर कथित तौर पर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद से विश्व साकार हरि बाबा जो कि जो सत्संग सभा कर रहे थे उनको लेकर अब सोशल मीडिया पर तमाम लोग सर्च कर रहे हैं कि बाबा कौन थे और इनका आगरा से क्या नाता है। तो मैं इस वक्त केदार नगर में जो कि शाहगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है उसी उनके आश्रम पर उनके घर पर मौजूद हूँ। ये कभी उनका घर हुआ करता था, अब ये आश्रम के तौर पर यहाँ के लोग जानते हैं, केदार नगर में है। और ये तमाम स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, आज भी बाबा से जुड़े हुए हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त उन्हें मानते हैं। और आगरा से भी बड़ी संख्या में लोग गए थे हाथरस, क्या कहेंगे? क्या तीन करीब 3 बजे गई थी, लगभग 150 लोगों के समथिंग। यहाँ कभी बाबा आए हैं इस आश्रम पे? नहीं, पहले वो यहीं रहते थे। अच्छा। पहले वो पुलिस में थे, यहीं रहते थे। अच्छा। फिर उसके बाद वो चले गए, फिर एक आध बार आए, उसके बाद नहीं आए। कितने सालों से नहीं आए? लगभग करीबन 15 साल, लगभग 14-15 साल तब से नहीं आए। तब से नहीं आए। बाकी बाबा को मानते हैं आप, बाबा के भक्त हैं? कितने तादाद में भक्त होंगे यहाँ? बाबा के भक्त यहाँ काफी भक्त हैं। जो लोग हाथरस गए थे वो कैसे हैं, सुरक्षित हैं, कैसे हैं, कितने लोग गए थे, ऐसा कोई जानकारी में? नहीं, ये हम तो बस्ती के रहने वाले हैं, ये बाबा के भक्तों को मालूम होगी ये जानकारी। अच्छा, जी। घर के बारे में, आश्रम के बारे में क्या जानकारी? ये घर के बारे में तो ये जानते हैं कि ये पहले क्वार्टर था केदारनगर का, फिर ये बाबा की कुटिया बन गई। विश्व साकार हरि जी। तमाम जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि ये आश्रम जो है केदारनगर में है और ये उन्हीं बाबा का आश्रम है जो कि हाथरस में सत्संग कर रहे थे, जिनकी सत्संग सभा में भगदड़ हुई थी जिसमें कई आगरा के लोग भी शामिल हैं। और भी कौन लोग हैं मैम, आप बता दीजिए इसके बारे में, जो 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 घर है। आप आइए यहाँ मंगलवार को या गुरुवार को, तो आपको पर डे 400-500 आदमी पर डे मिलेगा आपको। हाँ, सुबह 5 बजे से और 12-1 बजे तक। आपको क्या करते हैं, क्या लोग पूजा अर्चना करते हैं? हाँ, वैसे ही खाली ये करने आते हैं, नमन करने। आप बताइए भैया, आप बताइए, ये ऐसा लोग दावा कर रहे हैं कि ये बाबा विश्व साकार हरि जो हैं, जो सत्संग करते हैं, उनका ही घर है ये आश्रम है? हाँ भैया, यहाँ पे ही है, मगर लोग वाग आते हैं यहाँ, पोंछा वगैरह लगाते हैं अपनी चुन्नी वगैरह से, यहाँ बताते हैं कि यहाँ गंगा जल निकलता है वगैरह। हाँ, अपनी मान्यता है लोगों के हिसाब से। आगरा से कितने लोग सत्संग में गए थे सभा में? आगरा से करीब 150 लोग बता रहे हैं, यहाँ से 3 बसें बता रहे हैं। और मंगल सभी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित हैं। और अभी तो पता चला है कि आप लौट ही आए यहाँ पर आगरा, अभी हुआ तो कोई आ जाएगा बात करने, बसों के जरिए से गए। हाँ जी, देखिए आगरा में भी बड़ी संख्या में जो भोले बाबा जिन्हें कहते हैं या फिर जिनका नाम जो नारायण साकार हरि है उनके अनुयायी हैं, और यही वो केदारनगर में उनका आश्रम है जहाँ पर आज भी लोग उनकी भक्ति करने के लिए पहुँचते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोग के 3 बसों से हाथरस जो अनुयायी थे इस सत्संग सभा में शामिल होने के लिए पहुँचे थे। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।